आना है, कौन सा रूम है? जी 202 रूम नंबर 202। अच्छा ये रहा, ये रहा। हाँ, ठीक है आ गए हम। सच्चा बच्चा और साहब, शुक्र है आप लोग आ गए, मैं तो परेशानी हो गया था। हाँ लेकिन ऐसा क्या हो गया कि यहाँ सच्चा बच्चा वार्ड में ही दाखिल कराना पड़ गया? पता नहीं, कोई इंटरनल प्रॉब्लम है, मुझे कोई आइडिया नहीं है। अब तबीयत कैसी है इसकी? मैंने कहा ना मुझे कोई अंदाजा नहीं, अभी डॉक्टर आ रहे हैं, पूछ लीजिएगा आप उनसे। कैसी तबीयत है बेटा? बेहतर हूँ मां। गुड, चलो शुक्र है होश आ गया। अब रईस बेटा, मेरे ख्याल में अब तुम जाओ, इस तरह कुछ मुनासिब नहीं लग रहा, तुम जाओ। अब कोई जरूरत होगी तो हम है ना, हम देख लेंगे, ख्याल रख लेंगे। ठीक है, मैं बाहर ही बैठा हूँ, अगर कोई किसी भी चीज की जरूरत हो बता दीजिएगा। हाँ बिल्कुल। ओके। अब ये क्या नया तमाशा? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ये आपकी बेटी है? नहीं नहीं, इनकी बेटी नहीं है, रिश्तेदार है हमारी, यहाँ पढ़ने आई हुई है। वैसे माँ बाप हैदराबाद में रहते हैं। ठीक है, तो बेहतर होगा कि आप इनके पेरेंट्स को बुला लें यहाँ पे। क्यों, ऐसी क्या बात है जो उनको बुलाएं? खैरियत तो है ना? जी, इनके यूट्रस में मसला है जिसकी वजह से हमें इनका ऑपरेशन करना होगा। लेकिन डॉक्टर साहब, ये बच्ची तो कवारी है, मेरा मतलब है कि हम बहुत दीनदार इज्जतदार खानदानी लोग हैं, खुदा ना करे कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं। देखिए, तिनका तिनका जोड़ के हमने इज्जत बनाई है, किसी की कोताही से कहीं बिखर ना जाए। या आप किस सदी की बातें कर रही हैं? दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है और आपकी दकियानूसी सोच वहीं की वहीं खड़ी है। जनाना अमराज सिर्फ और सिर्फ शादीशुदा औरतों के साथ नहीं होते, बल्कि कुवारी लड़कियों के साथ भी होते हैं, और इनके साथ भी ऐसा ही है। ऐसे में खानदान, इज्जत, ये सब क्या होता है? बीमारी बीमारी होती है। डॉक्टर साहब, आप लोग चार किताबें पढ़ के समझते हैं कि आपने दुनिया जहान का इल्म हासिल कर लिया, लेकिन हमने भी दुनिया देखी, दुनिया के साथ चलना पड़ता है। ये बच्ची मेरे बेचारे भतीजे की बेटी है, खुदा ना करे कल को कोई ऐसी वैसी बात हो जाए तो हम क्या मुंह दिखाएंगे दुनिया को। आप प्लीज इनके पेरेंट्स को बुलवाएं फौरन और उनसे कहें कि मुझसे मिलें, ऑपरेशन आज ही करना होगा। ऐसा क्या कर लिया कि यहां सच्चा बच्चा वार्ड में दाखिल कराना पड़ गया? ये मसला हमेशा से था। इतनी कमजोरी हो गई कि ऑपरेशन ही करना पड़ेगा? शायद इस पर कमजोरी ज्यादा हो गई। मैं बहुत थक गई, मैं सो जाऊं। सो जाओ, सो जाओ। हाँ हाँ कर लो आराम, हम कौन सा हल जोतने को कह रहे हैं। आए अम्मी, हम बैठते हैं।